प्रणाम युवराज, प्रणाम युवराज्ञी। औपचारिकता भूलकर तत्काल ये बताओ कि ये जय घोष क्यों सुनाई दे रहा है? युवराज, राम और लक्ष्मण जीवित हो गए हैं। असंभव, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। नागपाश से उन्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। किसने उन्हें मुक्त किया है? साक्षात गरुड़ आए थे, यही समाचार देने आया था। स्वामी, आज मैंने जीवित रहने का अधिकार खो दिया है सुलोचना। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आज मेरे शौर्य का, मेरे पराक्रम का, मेरे अस्त्र शस्त्रों का अपमान हुआ है। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका। राम और लक्ष्मण के जीवित होने का अर्थ है मेरी प्रतिज्ञा का भंग होना। आज मैं पिता श्री को मुंह नहीं दिखा सकता। मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। प्राणनाथ, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मरना ही चाहते हो तो वीरों की भांति युद्ध भूमि में मरो। यदि तुम मरना ही चाहते हो तो अपने शत्रुओं का वध करके मरो। ये भी कोई बात हुई कि एक प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई तो कायरों की भांति आत्मघात करना चाहते हो? मेरी सेना का सेनापति अपने कक्ष में मरेगा? नहीं, मेरा कर्तव्यनिष्ठ वीर पुत्र अपने कर्तव्य को पूर्ण किए बिना ही आत्मघात करेगा? नहीं, अपने पिता श्री को विजय श्री दिलाने की बजाय तुम आत्मदाह करोगे? नहीं, प्रतिज्ञा तप है, बल है, बंधन है। क्या तपस्या सफल होना आवश्यक है? क्या एक बार तपस्या असफल हो जाए तो क्या तपस्या नहीं करते? नहीं पुत्र, तपस्या तब तक करते हैं जब तक तपस्या सफल ना हो जाए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ पिताश्री, आज राम और लक्ष्मण बच गए हैं पर कल नहीं बचेंगे। नहीं, वो जानते हो क्यों बच गए? वो सभी देवताओं का षड्यंत्र था। वो सभी तुम्हें उत्साहहीन करना चाहते थे, तुम्हारे मनोबल को तोड़ना चाहते थे, तुम्हें युद्ध से विमुख करना चाहते थे, विमुख, ताकि उनका षड्यंत्र सफल हो। नहीं पिताश्री, देवताओं का षड्यंत्र सफल नहीं होगा। मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। नहीं, अवश्य विजयी हो गए। हनुमान,
प्रणाम प्रभु। क्या आज्ञा है प्रभु? आप अब तक सोए क्यों नहीं? तुम भी तो नहीं सोए हनुमान? मैं तो अपना परम कर्तव्य निभा रहा हूं प्रभु। ये राक्षस बड़े मायावी होते हैं, रात के अंधेरे में इनका बल और अधिक हो जाता है। सेवक को तो चौकन्ना रहना ही चाहिए प्रभु। हमारी रक्षा के लिए? ना 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 प्रभु, रक्षा तो भगवान अपने भक्त की करता है। किंतु आज भक्त ने भगवान की रक्षा की है। जो कुछ हुआ प्रभु, आप ही की कृपा और आप ही के आशीर्वाद से हुआ। हनुमान, रावण के महास्त्र को तुमने कहां छेला? बोलो हनुमान। हनुमान, तुम्हें पीड़ा नहीं हो रही? रावण का महास्त्र अभी तुम्हारी छाती में जल रहा है। आपका नाम सारी पीड़ा हर लेता है प्रभु। प्रभु, क्या मेरी इस आग ने आपको सोने नहीं दिया? हनुमान, भक्त और भगवान का संबंध आत्मा और परमात्मा के जैसा होता है। यदि भक्त पीड़ा में हो तो भगवान को नींद कैसे आ सकती है? हनुमान, आज जो तुमने किया है वो इस संसार के लिए एक आदर्श होगा। युगों युगों तक तुम्हारा उदाहरण दिया जाएगा कि भक्त हो तो ऐसा, पवन पुत्र हनुमान के जैसा। हनुमान, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। नारायण नारायण, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सुझाव नहीं दे रहा, किसी भी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहा हूं त्रिदेवो। इस पहेली को सुलझाने में अपने इस भक्त की सहायता कीजिए। मैं पहले से ही आपका आभार प्रकट करता हूं। देवर्षि, आपको कष्ट क्या है? कष्ट प्रभु, युद्ध में दोनों ओर एक ही राजा की सेना लड़ते देख ये समझ पड़ता है कि सेना में विद्रोह हो गया। किंतु दोनों ओर एक ही राजा लड़ रहा हो तो? ये कैसे संभव है देवर्षि? संभव है प्रभु, संभव है। यही तो राम रावण युद्ध में हो रहा है। रूप बदले हुए हैं, आत्मा एक ही है। एक ओर महादेव शिव शंकर स्वयं रावण की रक्षा कर रहे हैं और दूसरी ओर उन्हीं का रूप पवन पुत्र हनुमान श्री राम की सहायता कर रहे हैं। वो देखिए प्रभु, देखिए त्रिदेवो, देखिए। क्षमा प्रार्थी हूँ भोलेनाथ, आपसे ऐसे पक्षपात की आशा नहीं थी मुझे। कैसा पक्षपात? ये पक्षपात नहीं तो और क्या है त्रिशूलधारी? वहाँ तो श्री राम निश्चिंत होकर सो रहे हैं और लंका में अपने कक्ष में रावण को देखिए, देखिए, देखिए कैसे करवटें ले रहा है ना? दोनों की रक्षा का उत्तरदायित्व आपने अपने ऊपर लिया है, फिर भी एक सो रहा है और दूसरे को नींद नहीं आ रही है। अब यह ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, क्यों? देवर्षि, निद्रा देवी को प्रसन्न करने के लिए भी तो आराधना करनी पड़ती है। सत्कर्म करने वालों पर निद्रा देवी सदा प्रसन्न रहती हैं, और जो रावण की भांति कुकर्म करते हैं
उन पर निद्रा रूठी रहती है। वो तो है। तुम? प्रणाम स्वामी। स्वामी, मैं आपकी प्रथम पत्नी हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरी प्रथम पत्नी मंदोदरी है? नहीं स्वामी, स्मरण कीजिए, तब आपका विवाह नहीं हुआ था, जब आपने कुबेर पर विजय पाई थी, तब से आपको लंकेश कहा जाने लगा। आप लंकेश्वर और लंकापति कहलाए, क्या ये सत्य नहीं? सत्य है। तो लंकापति, मैं लंका हूँ, आपकी लंका। परंतु तुम रो क्यों रही हो? आप मेरी दशा नहीं देख रहे हैं, मेरे वस्त्र जल गए हैं, मेरा तेज मलिन हो गया है। परंतु मैं तो जीवित हूँ। आज है, कल का क्या भरोसा? लंका, आप बुरा मत मानिए स्वामी, किंतु तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। क्या तुम्हें पता नहीं कि दशानन रावण अजय है, अमर है? स्वामी, मृत्यु को मृत्यु क्यों नहीं मानते आप? ईश्वर को ईश्वर क्यों नहीं मानते? कौन ईश्वर? ईश्वर मैं हूँ, मैं, और सबकी मृत्यु भी मैं हूँ। आप इस भ्रम में हैं, तो मुझे भय है, मैं आपको खो दूंगी। लंका! 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 स्वामी, स्वामी क्या हुआ? किससे बातें कर रहे हैं आप स्वामी? लंका से। लंका से? कौन लंका? कहाँ है लंका? स्वामी, स्वामी क्या हो गया है आपको? आपकी नींद क्यों उड़ गई है? इतने चिंतित क्यों हैं आप स्वामी? मंदोदरी, मेरा मन विचलित हो उठा है। क्यों स्वामी? नागपाश में बंधने के पश्चात भी राम और लक्ष्मण अभी तक जीवित हैं। स्वामी, इसका कारण साक्षात गरुड़ हैं। वही तो, गरुड़ को मारने के लिए शिव जी द्वारा प्रदान किया गया महास्त्र मेरा विफल क्यों हो गया? तो क्या आपका आत्मविश्वास डगमगा गया है स्वामी? स्वामी, आपको अपनी कुलदेवी की आराधना करनी चाहिए। युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात आपने अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद नहीं लिया ना? स्वामी, आप अभी जाइए और देवी का आशीर्वाद लेकर आइए। तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो मंदोदरी,
मैं भी इसी क्षण कुल देवी से आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके मना करने के उपरांत भी मैं अपने पति की रक्षा करने के प्रत्येक उपाय करना चाहती हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मंदोदरी सचमुच एक महान पतिव्रता है। निसंदेह जब जब पतिव्रताओं का नाम लिया जाएगा, साध्वी मंदोदरी का नाम सबसे ऊपर होगा। हाँ प्रभु। माता निकुम्भला देवी। कल्याण मस्तु। कहो दशानन, किसलिए स्मरण किया मुझे? आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता। मेरा आशीर्वाद? तुम्हें कोई संदेह है क्या कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ नहीं है? आज अचानक मेरे आशीर्वाद की क्या आवश्यकता आन पड़ी तुम्हें? माता, मेरा भविष्य धुंधला धुंधला से दिखाई दे रहा है। मुझे आप ही स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम शिव शक्ति से प्राप्त वरदान का दुरुपयोग कर रहे हो। यही कारण है कि तुम मेरा स्पष्ट दर्शन करने में समर्थ नहीं हो। मैंने कोई दुरुपयोग नहीं किया है माता। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। अहंकार त्याग दो दशानन, फिर तुम्हें सब स्पष्ट दिखाई देगा। क्यों, मेरी बात अच्छी नहीं लगी? क्या तुम अपनी माता के सामने भी विनम्र नहीं हो सकते दशानन? मैं अनुग्रहित हुआ माता, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा मांगने का यह ढंग मेरे प्रति तुम्हारी अवज्ञा दर्शा रहा है रावण। मेरा दर्शन अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता। बोलो, किस लिए आवाहन किया तुमने? मैं भगवान शिव की आज्ञा से तुम्हें वरदान देने आई हूं। मांगो, क्या मांगते हो? हे माता श्री, मैं अपनी विजय का आशीर्वाद चाहता हूं। क्यों, भगवान शिव की रक्षा पाकर भी असंतुष्ट हो? अविश्वास है तुम्हें भगवान शिव की शक्ति पर? क्या ये अपने इष्ट के प्रति अपमान नहीं है रावण? फिर भी तुम्हारा तपोबल तुम्हारे साथ है, अतः मैं तुम्हें विजयी बनाने के लिए दिव्यास्त्र देने के लिए विवश हूं। लो दशानन, ये दिव्यास्त्र लो। ये दिव्यास्त्र अमोघ है, इसका प्रयोग जिस पर करोगे उस पर तुम्हारी विजय निश्चित है। अब मेरी विजय निश्चित है, निश्चित।